बेटी की कातिलों को पकड़वाने के लिए बाप दर दर की ठोकरें खा रहा है और न्याय के लिए कभी पुलिस स्टेशन तो कभी राजनेताओं से गुहार लगा रहा है। मामला हमीरपुर जिला के बरसर के रैली जजरी गांव रमन कुमार सुपुत्र बनारसी दास का है, जिसकी रहस्यमय परिस्थितियों में देहरा कांगड़ा के फर्नीचर हाउस में मौत हो गई। परिजनों ने शक जाहिर किया है कि 2 मार्च को अचानक ही बेटे की मौत हो गई थी, लेकिन इस मामले में पुलिस भी जांच पड़ताल ठीक से नहीं कर रही है, जिस कारण ही अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर पीड़ित परिवारजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। छोटे भाई विजय कुमार ने बताया कि फर्नीचर हाउस में काम करने वाले 3 वर्कर जान से मारने की धमकियां देते थे, जिस पर वह डरा हुआ था। उन्होंने मांग की है कि इन वर्करों से पूछताछ की जाए। उन्होंने बताया कि मेरे पिता भी अपाहिज हैं और मशीन से उंगलियां कटी हुई हैं और परिवार में बड़े भाई का ही सहारा था जो कि अब छिन चुका है। उन्होंने बताया कि अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर गुहार लगाई है कि इस मामले में जल्द कार्रवाई की जाए। मेरे भाई की 2 तारीख को दोपहर 2:30 बजे मौत हुई थी, जिसके पुलिस ने आत्महत्या कहकर फाइल बंद कर दी है। जब मैं पुलिस वालों के पास पहुंचा तो उन्होंने इसको आत्महत्या करार देकर कहा कि इसकी कार्रवाई बंद कर दो। जब मैंने उनसे कहा कि इस केस की दोबारा छानबीन की जाए तो उन्होंने मेरे को 302 धारा के तहत 20,000 की सजा देने का बात कही। आज मैं शिमला में मुख्यमंत्री जी के साथ के पास मिला श्री इंद्रजीत लखनपाल के माध्यम से। उन मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि इस केस की छानबाई की जाए। मेरे को शक है कि मेरे भाई को मारा गया है, क्योंकि इसके साथ काम करने वाले 3 वर्कर जो इसको बार बार मारने की धमकी देते थे। इसके बारे में उसने मेरे को 18 तारीख को जब मेरे भाई की शादी में आया तो उसने मेरे को बताया कि मैं वहां पर काम करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने घर की परिस्थितियों को देखते हुए उसको समझाकर भेजा कि ऐसा करो कि आप अपने 8 महीने की सैलरी को लेकर वापस घर आ जाओ, लेकिन मालिक ने उसको नहीं भेजा। और 2 तारीख को हमारे को शाम वहां पर काम करने वाले पाल दीमान बिट्टू और अनिकेत है, जिसमें जो विनोद दीमान है जो इनकी सहायता कर रहा है, क्योंकि मेरे भाई खुदकुशी नहीं कर सकता था, क्योंकि घर की परिस्थितियों को देखते हुए वह ऐसा कदम कभी उठा नहीं सकता था। इसलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इस केस की दोबारा से छानबीन की जाए तथा मेरे भाई को न्याय दिया जाए।